वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इस घाट पर। ये वही घाट है जहां से नौका विहार का ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। दशाश्वमेध घाट, घाटों की ही नगरी है वाराणसी। 84 घाट है यहां पर और 40 घाट से होते हुए ये नौका विहार का कार्यक्रम जो गुजरेगा, ये देखिए स्वागत किया जा रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का, क्योंकि ये पल ना सिर्फ खास है बल्कि ऐतिहासिक भी है। चंदन टीका लगा के और साथ ही साथ वह यहाँ पर लोगों से इस समय रूबरू हो रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा जनसमुदाय भी एक झलक पाने के लिए उमड़ा हुआ है घाटों पर, चारों तरफ लोग एक झलक पाने के लिए लालायित है। ये देखिए सभी का इस वक्त किस तरीके से, फ्रांस के राष्ट्रपति भी सभी से मुलाकात कर रहे हैं और एक तरह से अगर हम देखें तो ये साफ तौर पे नजर आता है कि कितने खुश हैं वो, क्योंकि जिस तरह से ना सिर्फ उनका भव्य स्वागत किया गया बल्कि हर एक जगह से बारीकी के साथ जो बातें समझाई गई हैं वो ये बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके हर मेहमान खास होते हैं, देश के लिए हर मेहमान खास होता है और यहीं से वो चीजें शुरू होती हैं जो कहीं ना कहीं दिल को करीब लाती है, जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और एक साथ चलने को लेकर नई तस्वीर पेश करती है। सभी यात्रा करेंगे का अभिवादन, सभी का स्वागत स्वीकार करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति का। वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं कई सौगातों के तौर पर चीजें देखने को मिलती है और इस बार भी 700 करोड़ की सौगात दी गई है वाराणसी को। शांतिपूर्ण साहसित्व की मिसाल पेश करते हुए दुनिया में शांति, और अभी वो तैयारियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि जब घाट से गुजरेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों तो किस तरह से वो तमाम चीजें भी उनके सामने रखी जाएंगी, फिर चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो, धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं के तौर पर हो या फिर वैदिक ऋचाओं के तौर पर हो। कबीर के पद, श्री रामचरितमानस की चौपाइयां गूंजेंगी उस दौरान। तो वही कुश्ती कला साधु कड़ी परंपरा वाले 100 से ज्यादा संत महात्माओं की अड़ी भी उस वक्त हमें देखने को मिलेगी गंगा पार। अगर हम तमाम उन तस्वीरों को भी देखें तो हर तरफ किस तरह से भारत और फ्रांस के झंडे भी लगाए गए हैं ये बताने के लिए कि हम साथ हैं, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा जो भारतीय संत नौका विहार का कार्यक्रम जो बस अब शुरू होने वाला है, ये देखिए हम अतिथि को मानते हैं अपना देवता। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर लगातार साथ हैं किसी अतिथि को। और ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, अगर इस तस्वीर की बारीकियों को समझे, जिस वक्त घाट की तरफ बढ़ रहे थे एमैनुअल मैक्रों उनका पैर थोड़ा लड़खड़ाया और इसके बाद उन्होंने हाथ दे दिया अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये देखिए हाथ पकड़ करके कैसे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ये मंत्रोच्चारण करते हुए 121 पंडित, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो खास तौर पे धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से मंत्र जो अपने एक विशेष स्थान रखते हैं, ना सिर्फ मानसिक सुकून के लिए बल्कि जीवन के सार को लिए हुए ये चीजें जो देखने को मिलती रही हैं। और अपने फ्रांस के दोस्त के साथ किस तरह से हाथ पकड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों को बताते हुए दिखाते हुए हाथ हिला करके लोगों का अभिनंदन अभिवादन करते हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति भी। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे दर्शन की भारतीय आध्यात्म की वो भी हर एक चीज को अपनी आंखों में समा लेना चाहते हो। ये देखिए ये वो कैलाशा है जो इंतजार कर रहा है उस ऐतिहासिक पल का जब नौका विहार होगा इसी कैलाशा में बैठ करके। ये एक एक चीज बारीकी से बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि वाराणसी काशी जो अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है, जो अपने मूल्यों के लिए जानी जाती है, जो अपने संगीत वादन के लिए जानी जाती है और ऐसे में बहुत कुछ समेटे हुए है वाराणसी में, वहाँ के लोगों में कितना उत्साह है। हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति भी बकायदा हाथ में हाथ हिला करके कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस मेहमान नवाजी के लिए वो साफ तौर पे नजर आता है। और वाकई कई बार तस्वीरें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद समझाती हैं और बताती हैं कि दिलों में क्या कुछ चल रहा है। और वही ये तस्वीरें हैं जो बता भी रही हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है तो भारत में, लेकिन शायद उन्हें बिल्कुल भी ये जो अपने देश में वो जो भी चीजें शायद मिस करते हों वो चीजें यहाँ पर कैसे पूरी होती नजर आती हैं वो हमें देखने को मिल रही है। देखिए आप बस कुछ ही पल जब ये नौका विहार का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
का, बस अब ये वो कैलाशा है जो न सिर्फ खास तौर पे जिसको तैयार किया गया, ये बोर्ड जो खास तौर पे जिसे कैलाशा नाम दिया गया, बिहार से इसे मंगवाया गया था और इसी में अब सवार होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनल मैक्रों। दुल्हन की तरह ये बोर्ड तैयार हो चुकी है और क्योंकि पल बहुत खास है, ये देखिए दो चेयर्स भी आप ऊपर देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आज के लिए उस प्रोजेक्ट को भी शायद प्रधानमंत्री बताएंगे जो गंगा परियोजना के तौर पर, नमामि गंगे परियोजना के तौर पर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और कैसे गंगा में जहाज चलाने की बात भी प्रधानमंत्री रखते रहे हैं उसको भी पूरा करने के लिए, साकार करने की तरफ सरकार कैसे आगे बढ़ रही है वो भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए बोर्ड पर सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए, जबकि वो तो खास तौर पे इसे तैयार किया गया, खास तौर पे ये बोर्ड तैयार की गई जिसका नाम कैलाशा रखा गया और ये वो कैलाशा है जिस पर आप ऐतिहासिक पलों के साथ न सिर्फ माँ गंगा का आशीर्वाद लिया जा रहा होगा बल्कि तमाम चीजें भी कैसे बताई जा रही होंगी वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो गंगा जो अपने में इतिहास समेटे है, वो गंगा लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था इस पल का, वो भी बेहद उत्साहित है। तो आपको याद दिलाते हैं गंगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब चुनावों के वक्त की अगर हम बात याद करें, 2014 को अगर हम याद करें, अप्रैल के उस महीने को हम याद करें, तो प्रधानमंत्री ने जब नॉमिनेशन फाइल किया था तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और वही गंगा का जब आशीर्वाद मिला तब भी उन्होंने इसी बात को दोहराया था। ये देखिए तमाम दस्तावेज, तमाम बातों को यहाँ पर बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कहीं ना कहीं एक अमिट छाप भी छोड़ेगी गंगा की लहरों पर, वो लहरें जो हर तरीके से भारतीयता को अपने में समेटे हैं, जो हर तरीके से सनातन संस्कृति को अपने में समेटे हैं, जो हर तरीके से अपने में हिंदुस्तानियत को समेटे हैं, जो हिंदुस्तान की साझी विरासत, साझी शहादत, साझी सांस्कृतिक वैभव का महागान करती हैं। कहते हैं लहरों पे लिखा जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज यहाँ की गंगा की लहरों पर एक ऐसी महागाथा लिखी जाएगी, ऐसी अंतरयात्रा लिखी जाएगी जो कि भारत फ्रांस संबंधों को ही नहीं, भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों की भी एक महागाथा होगी कि किस तरीके से काशी उन्मुक्त कंठ से भारत गदगद हृदय से अपने अतिथि का सम्मान करता है, अतिथि को अपना देवता मानता है और साथ ही साथ अतिथि को सर्वोच्च सम्मान देता है। ये यात्रा 80 घाट से शुरू होगी और ये यात्रा कहीं ना कहीं एक अंतर यात्रा होगी, एक यात्रा समूचे भारत की झलक होगी। तो ये नौका विहार जो इस वक्त शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को, ये कई चीजें बता भी रहे थे जब वो बैठे थे नौका विहार में, बकायदा इस कुर्सी पे जब बैठे तो दो तीन किताबें भी उन्होंने उनके हाथ में दी थी शायद बताने के लिए कि किस तरह से ये घाट अपने आप में हर एक घाट की एक दिलचस्प कहानी है और लोगों का भी हुजूम देखिए किस तरह से इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। पतित पावनी गंगा जो हर भारतीय के दिल में बसती है, गंगा का अपना एक खास स्थान है, महत्व है, सिर्फ नदी नहीं है बल्कि माँ के तौर पर पूजी भी जाती है और वही चीजें आज इन तस्वीरों में भी दिखती हुई नजर आ रही हैं। सभी का एक बार फिर से हाथ हिला करके फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों भी अभिनंदन कर रहे हैं, बेहद खुश है, किस तरह से वो भी समझ रहे हैं कि वो कितने खास है इन तैयारियों को देख करके। ये नौका विहार जो बताया बकायदा आपको जब 40 घाटों से होते हुए गुजरेगी, 20 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम है और इस दौरान कई तरह से धार्मिक आध्यात्मिक चीजें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि हर एक घाट पर विशेष तैयारियां की गई हैं जो इन तस्वीरों को बताएंगी कि क्या कुछ परंपरा भारत की रही है अपनी संस्कृति के लिहाज से, समृद्धि के लिहाज से। संबंधों ये देखिए उठ करके खड़े होकर के हाथ हिला करके कैसे सभी का न सिर्फ अभिवादन किया जा रहा है बल्कि एक तरह से शायद शुक्रिया भी अदा करते हुए इस लिहाज में कि आपने जिस तरह से हमारा स्वागत किया इसके लिए दिल गदगद है। ये तस्वीरें जो इस बात को बता रही हैं, बयां कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैसे सबका हाथ हिला करके अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, वो हमें इन तस्वीरों में एक नई इबादत, रिश्तों को नए आयाम और विकास की नई तस्वीर को पेश करते हुए दोस्ती की ये खास तस्वीरें जो एक तरह से कहे कि पूरी दुनिया में
कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी होंगे। हर एक घाट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं जरूर बताने की भी उनकी लालसा होगी। ये देखिए कैसे माँ गंगा पतित पावनी गंगा भी आज एक नए आयाम और नए इतिहास को लिख रही है। माँ गंगा की गोद में कैसे रिश्ते, ये दो देशों के रिश्ते जो न सिर्फ फलेंगे फूलेंगे बल्कि आगे बढ़े एक नए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, वो भी हमें आज इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। और जहाँ जहाँ जिस भी जगह पर किसी को कहीं भी जगह मिल रही है, हर कोई इस लम्हे को देखना चाह रहा है, क्योंकि ये लम्हा न सिर्फ खास है, यादगार है, बल्कि बताता है कि कैसे दुनिया में भारत न सिर्फ अलग एक अपनी पहचान छोड़ रहा है मेहमान नवाजी के अंदाज में, बल्कि बताने की भी कोशिश है कि हमारी संस्कृति और परंपरा हमारे लिए क्या मायने रखती है, कैसे हमारे दिलों में बसती है और कैसे हमें गर्व और गौरव का पल देती है, क्षण देती है। हमारी ये संस्कृति और सभ्यता जिसके लिए भारत जाना जाता रहा है, वो आज एक बार फिर से परिभाषित हो रही है इस नौका विहार के जरिए। ये नौका विहार सिर्फ नौका विहार नहीं है, बल्कि कैसे लहरें और उमंगों की लहरों के साथ आगे बढ़ता हुआ ये रिश्ता है, वो जरूर ये बताता है। खुले आसमान में कैसे जल के साथ तालमेल होते हुए ये नौका विहार आगे बढ़ रहा है। तैयारियां जरूर है, सुरक्षा के भी बहुत खास इंतजाम किए गए, लेकिन कोई डर नहीं है। और ऐसे में ये एक कॉन्फिडेंस भी है कि कैसे नौका विहार के जरिए बकायदा एक एक छोटी छोटी तस्वीरों को वाराणसी की बताने और पेश करने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसकी झलक हमें देखने को मिल रही है। और आप देख भी रहे हैं कि घाट के किनारे बकायदा पोस्टर लगाए गए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। और हर एक घाट पर भारत का झंडा और फ्रांस का झंडा भी कैसे लहराता हुआ नजर आता है, ये भी आप देख रहे हैं। हर जगह दूर दूर तक अगर कहीं देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं, जो लालायित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों को देखने के लिए। और आप ये समझिए, ये दरअसल दो घाट, चाहे फिर हम तुलसी घाट की बात करें, प्रभु घाट की बात हम करें, ये वो घाट है जहाँ पर माना जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लिखा था। और इसीलिए उन चौपाइयों को जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों इस नौका विहार के जरिए गुजरेंगे तो उन चौपाइयों का भी बकायदा पाठ किया जाएगा। तो कैसे कैसे हर एक घाट की अपनी एक विशेषता रही है, परंपरा रही है और क्या जुड़ाव रहा है, वो बताने की कोशिश हो रही है। चाहे फिर मंत्रों की हम बात करें, फिर चाहे राधा कृष्ण की उन लीलाओं की हम बात करें, या फिर जो यहाँ पर साधु संत इकट्ठा हुए हैं उनकी हम बात करें। दशाश्वमेध घाट की यात्रा होगी तकरीबन 23-24 घाटों की, 20 मिनट की इस यात्रा में 40 घाटों से गुजरते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों के साथ। एक ऐसे सहयोगी को ये देखिए किस तरह से, जो न सिर्फ सहयोग की बात होती है बल्कि कहते हैं कि दिलों का रास्ता कहीं ना कहीं संस्कृति और परंपरा से भी गुजरता है। और ऐसे में यही चीजें कैसे एक दूसरे को करीब लाती हैं, दो देशों को करीब लाती हैं, वो देखने को मिलता है। वाराणसी भी आज शायद एक तरह से कहें कि गौरवान्वित होगा और खुश होगा कि मेहमान नवाजी अपने मेहमान की एक खास अंदाज में की गई है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बताता है कि कैसे भारत पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए तैयार है। ये आगे बढ़ते हुए हर एक घाट को देखते हुए, समझते हुए, हाथ हिलाकर, जहाँ पे भी जितने भी लोग खड़े हैं उनको उनका अभिवादन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि लोग भी बेहद उत्साहित हैं। देखिए कुछ बातचीत भी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को कुछ समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत समझने की जरूरत है। हर एक घाट की अपनी दरअसल कहानी है, एक खासियत है। अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि वो जो रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ होगा, वो पाठ क्यों होगा? काशी की भोले की नगरी है, लेकिन कैसे राममय आज ये नगरी नजर आती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उन्हीं घाटों पे लिखा था, उसी तुलसी घाट के बीच में लिखा था, प्रभु घाट के बीच में बैठ करके लिखा था। और इसीलिए वो घाट अपने आप में किस तरह से अलग है,
उन चौपाइयों के जरिए बताने और दर्शाने की भी कोशिशें की जाएंगी। बकायदा देखिए, बकायदा चेयर का अरेंजमेंट है, लेकिन बैठ करके नहीं, खड़े होकर के नौका विहार को भारतीय संस्कृति की झलक देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। जनता जनार्दन का, और आपको जरा याद दिलाते हैं, जिस वक्त वाराणसी की धरती पर कदम रखा था फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने, वो तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प थी। विमान से बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया था, और वो गले भी इस तरह से जैसे कि कोई अपना करीबी फिर से मिल गया हो, इस तरह से वो चीजें भी देखने को मिली थी। और इसके बाद न सिर्फ मिर्जापुर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर के सोलर पावर प्लांट का वहां पर उद्घाटन किया गया, बल्कि वापस लौटते हुए हस्तशिल्प कला को भी देखा गया, कैसे अपनी बारी की खास तौर पे बुनकरी कला के लिए जाना जाता है वाराणसी, वो भी तमाम चीजें दिखाई गई थी। शहनाई की गूंज भी उस वक्त सुनाई दी गई थी। जब कोई जश्न होता है या फिर त्योहार होता है तो आमतौर पर वाराणसी में शहनाई की गूंज भी सुनने को मिलती है, वो भी चीजें आज देखने को मिली। ये देखिए किस तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद है, मंत्रोच्चारण के लिए साधु संत भी यहाँ पर मौजूद है। ये वो घाट है जिससे होते हुए गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों। अनुपम उदाहरण रहा है यहीं से सटे सारनाथ, क्योंकि आपको बताएं कि कला संस्कृति के साथ संगीत और वाद्य यंत्रों का भी भारतीय संस्कृति और परंपरा में विशेष महत्व रहा है। और वाराणसी जो इन चीजों के लिए जाना जाता है, अलग अलग घराने यहाँ पर हैं जिनकी एक तरह से प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन गायन शैली ने, यहाँ वाद्य शैली ने हमेशा ही भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। बौद्ध धर्म को कि अपने पांच शिष्यों को आनंद, उपाली और अन्य शिष्यों को भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया था, और उन्होंने पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराया बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में जो कि ये चतुर आर्य सत्य पर चलता है, बौद्ध धर्म जो कि अष्टांग मार्ग बताता है, बौद्ध धर्म जो पंचशील बताता है, वो भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है, जो कि अस्तेय अपरिग्रह सत्य सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और अपभांडता, ये पंचशील बताता है कि किस तरीके से हमको अपनी जीवन शैली चलानी चाहिए, किस तरीके से ही हमको त्याग में ही भोग करना चाहिए। और ये अलग अलग झांकियां आप देखेंगे, निश्चित तौर से आत्ममुग्ध कर देने वाली झांकियां हैं एक विदेशी राजनेता के लिए, और साथ ही साथ एक ऐसे अन्य सभी ऐसे जो राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं विरले ही उनको सौभाग्य प्राप्त होता है ऐसे भारतीय संस्कृति के साक्षात दर्शन का। तो अलग अलग झांकियों के जरिए बताने की कोशिश है, परिभाषित करने की कोशिश है कि कौन कौन सी वो चीजें रही हैं जो संस्कृति के लिहाज से समृद्ध करती रही हैं भारत को। अलग अलग युगों में अलग अलग बातें जो हमारे ना सिर्फ इतिहास को गौरवान्वित करती हैं, बल्कि भारत को हर लिहाज से संस्कृति, धार्मिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू के लिहाज से भी हमेशा ही समृद्ध बनाती रही है। तो जिस जिस घाट से भी निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों को लेकर के, वहां अलग अलग झांकियों के जरिए हर एक चीज बताने की कोशिशें की जा रही है, और उसी झांकियों की ये एक झलक आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर बौद्ध धर्म का न्याय भी मौजूद है, साधु संत भी यहां पर मौजूद है, और इस घाट में भी अपना आप में एक इतिहास समेटे हुए ये घाट नजर आता है। तो 84 घाटों का ये पूरा शहर, हर एक घाट जो अपने आप में एक नई कहानी को बताता है, और उन्हीं कहानियों को आज पेश करने की भी कोशिश की गई है। तो बकायदा 80 घाट के साथ शुरुआत होते हुए कैसे ये पूरा नौका विहार का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। विश्व में बौद्ध धर्म की पताका लहराई, और उन्होंने अनेक विश्व को, अनेक देशों को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बनाया। अब ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये घाट क्यों खास है? ये मयूर नृत्य दरअसल पेश किया जा रहा है, राधा कृष्ण किस तरीके से मयूर नृत्य, वो खास नृत्य हुआ करता था, वो हमें जरूर देखने को मिलता था, भले ही मथुरा में होता था ये, लेकिन कैसे काशी भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहा है ये बताने की कोशिशें हैं, रंग के साथ रंगों को हर तरफ बिखेरने की कोशिशें हैं ये मयूर नृत्य करते हुए कलाकार। हर घाट में एक अलग तरह की झांकी आप देख रहे हैं, हर घाट में जो स्वागत है वो अलग तरह से हो रहा है, रंगों के साथ कैसे हर तरफ अभी गुलाल उड़ाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने इस वाराणसी को कैसे फिर से गौरव का पल दे रहे हैं वो देखने को।
देख सकते हैं कि किस तरीके से अबीर और गुलाल से सराबोर लोग अपने प्रिय नेता का, जननायक का अभिवादन कर रहे हैं। भले ही फागुन बीत गया हो, लेकिन चैत चल रहा है। बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक गाइड की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए पतित पावनी माँ गंगा, जिसकी लहरें भी कितनी खुश हो रही हैं, मानो गदगद हो रही हैं। और ये पानी का बहाव जो कैसे रिश्तों में भी इसी तरह से हमेशा सरसता बनी रहे, प्यार बना रहे, शायद इसका आशीर्वाद आज माँ गंगा दे रही है। वो देखने तस्वीरों में ही खास तौर पे हर चीजें जो इस वक्त इस पल को और ज्यादा खास बनाती है। हाथ हिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां से भी ये नौका विहार गुजर रही है, हर जगह लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति भी, ये देखिए हाँ किस तरह से कंधे में हाथ रखा गया है प्रधानमंत्री के। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री के कंधों पे हाथ रखा और इसके बाद समझ रहे हैं जैसे कोई दो दोस्त आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या कुछ है। उसी अंदाज में ये समझने की कोशिशें की जा रही हैं। बकायदा प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा गया उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, समझने की हर एक चीज़ बारीकी से कोशिश कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री भी उन्हें एक एक बात बता रहे हैं कि कैसे एक संपन्नता के साथ संस्कृति के लिहाज से, आध्यात्म के लिहाज से वाराणसी परिपूर्ण है। वाराणसी जो ना सिर्फ आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, भोले की नगरी है, और ऐसे में कितनी किस तरह से आज गदगद है, खुश है, वो हमें देखने को मिल रहा है। हर घाट दिल खोल करके स्वागत कर रहा है विदेशी मेहमान का देशी जमीन पर। तो ये देखिए आसमान पे उड़ते ये पक्षी जो बता रहे हैं कि वो भी लालायित थे शायद इस पल को देखने के लिए, खुश थे और देखा और इसके बाद उड़ चले आसमान में। जहां जहां से भी नौका विहार गुजर रही है, हर जगह मंत्रोच्चारण, वैदिक ऋचाओं के साथ कबीर के पद और रामचरितमानस की ये चौपाइयां गूंजती हुई सभी के दिलों को मोहित कर रही हैं। मंत्रमुग्ध किसी को भी ये कर सकती हैं इस तरीके का भव्य स्वागत। शायद फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो ने भी सोचा नहीं होगा कि भारत की जमीन पर स्वागत अलग अंदाज में होगा। हर पल खास बनाने की कोशिश होगी, हर लम्हा यादगार हो जाए, इसके लिए दिलो जान से तैयारियों में जुटे थे वाराणसी के लोग, वाराणसी का प्रशासन, कहीं कोई कमी ना रह जाए इसकी पूरी तरह से इस समय हर एक चीज पर नजर रखी जा रही थी। और ये देखिए वो घाट जहाँ से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो। कितने बड़े ये घाट है, कितनी दूरी तक ये फैले हुए हैं, ये शायद देखिए जो अगर हम भाव भंगिमाओं को समझें, अगर हम
जिस तरीके से बातचीत की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति से, अगर हम इन चीजों को ही समझे, बॉडी लैंग्वेज को ही हम समझे, तो वो बता रहे हैं कि कितना बड़ा ये पूरा क्षेत्र है, कितने घाट है, कितने किलोमीटर तक ये घाट है, और ये एक अलग पहचान रखते हैं वाराणसी की। इन घाटों पे भी किस तरह से लोग आते रहे हैं, न सिर्फ विशेष त्योहारों पर बल्कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। ये चीजें हमें आज जो इन तस्वीरों में साफ तौर पे समझती हुई समझाती हुई ये तस्वीरें जो नजर आ रही है।